अस्सलाम वालेकुम जी, माजिद हाशमी, जैसा कि गनी क्लास से ये एग्जीबिशन हो रही है फार्मा एशिया कराची की, कराची का फार्मा एशिया ये जो एग्जीबिशन है बहुत बड़ा पावर शो है, ये ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसके लिए, जैसा कि हमारे प्रोडक्ट्स दिखा चुके हैं, प्रोडक्ट्स में हमारी वाइल्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स की बोतल होती हैं और इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस की बोतल होती हैं। फ्लोट ग्लास के लिए पाकिस्तान का नंबर वन ग्लास है ख़ास तौर पर, ये जितने प्रोडक्ट्स मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की नंबर वन जो प्रोडक्शन हो रही है गनी ग्लास के थ्रू हो रही है। इसके अलावा जो हमने नई शुरुआत की हैं रबर स्टॉपर्स की और इनकी जो एलुमिनियम सील्स के हवाले से हैं, जैसे कि आपने देख ली हैं प्रोडक्ट्स पूरी शो कर दी हैं, ये इस तरह की जो एग्जीबिशन हैं मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं, इंडस्ट्री को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है और जो रेलिवेंट हमारे मटेरियल्स हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल से मुतालिका तमाम कंपनीज आई हैं, उनकी पैकेजिंग बनाने वाले, उनकी बॉटल्स बनाने वाले और फार्मास्यूटिकल्स की कंपनीज खुद आई हैं, मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो प्रोग्राम हैं एग्जीबिशन हैं होने चाहिए, एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। जी जी, काफ़ी मुल्कों से ख़ासतौर पर चाइना से लोग आ रहे हैं, हमारे इस स्टॉल पे भी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ आपने ओवरऑल लुक देखी होगी, ये गनी ग्लास का जो स्टॉल है ओवरऑल आप देखें सबसे बेहतरीन और इसकी जो आउटलुक है सबसे यूनिक है। इस दफ़ा बड़ा अच्छा स्टॉल बना है और यहाँ पे विज़िटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा रही है और चाइना से और मुख्तलिफ मुल्कों से भी लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आके हमारी प्रोडक्शन वो देखी है, हमारे सैम्पल्स देखे हैं और साथ ले कर भी गए हैं और मज़ीद वो अपनी कंपनी के प्रोफाइल्स भी हमारे साथ शेयर करके गए हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है और ये ऐसा होना चाहिए मुख्तलिफ शहरों में, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में।